फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल. आई एम कोमल एंड आज का जो वीडियो है वो है लैक्मे एब्सोल्यूट मूस फाउंडेशन के बारे में. बेसिकली मैं जनरली मेकअप के कोई रिव्यूज़ अभी तक नहीं किए हैं. अभी तक मैंने मेरी चैनल पे मिंत्रा, अमेजोन एंड आजियो, जबोंग ये सारे से क्लोथिंग्स जो भी मैंने मंगवाए हैं उसका रिव्यू किया है. बट मैं फर्स्ट टाइम लैक्मे एब्सोल्यूट मूस का रिव्यू करने जा रही हूँ. सो बेसिकली लास्ट टू ईयर से मैं ये उसे यूज़ कर रही हूँ और ये प्रोडक्ट मुझे बहुत ही अच्छी लगती है. सो मैंने सोचा कि आज मैं आपका इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करती हूँ. रिव्यू स्टार्ट करने से पहले अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा. सो लैक्मे मूस फाउंडेशन में क्या होता है कि ये एक तरह से लिक्विड फाउंडेशन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है. इसमें इस तरह से थोड़ा सा हार्ड बेस में फाउंडेशन होता है लेकिन थोड़ा सा मूस टाइप होता है. सो मेकअप में जो लोग बिगिनर्स होते हैं, जिसे मेकअप का इतना नॉलेज नहीं होता है, जिसे कोई आइडिया नहीं होता है कि किस तरह से मेकअप करते हैं, किस तरह से मेकअप फाउंडेशन बेस लगाते हैं, सो लैक्मे मूस उन लोगों के लिए है जिन्हें फाउंडेशन अप्लाई करना इतनी अच्छी तरह से नहीं आता है. तो वो लोग इस तरह के मूस फाउंडेशन को यूज़ कर सकते हैं. तो नाउ अब मैं उसके पैकेजिंग की बात करूँ तो जब आप ये ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन या फिर मंगवाते हैं तो कुछ इस तरह के ब्लैक कलर के कार्ड बॉक्स में आता है. इसके बॉक्स पर इसकी प्राइस, इसकी एक्सपायरी डेट और कुछ और डिटेल, मतलब उसका SPF कितने आवर्स स्टे करता है, ये सारी डिटेल उसके बॉक्स पर मेंशन की गई होती है. जो डिटेल मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले लेते हैं. सो हम उसको ओपन कर लेते हैं. ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से बॉक्स में हमें ये मूस फाउंडेशन की डिब्बी मिलती है जो कुछ इस तरह से है. आधी मैट और आधी वो जो है वो ग्लोसी टाइप की फिनिशिंग में है. आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से ये थोड़े से हार्ड बेस में क्रीम, हार्ड बेस में इस तरह से है. बता देती हूँ कि मैंने कौन सा शेड इसमें सिलेक्ट किया है. मैंने रोज फेयर 02 वाला शेड किया है. टोटल इसमें 6 शेड अवेलेबल है जो कि सभी इंडियन स्किन टोन के हिसाब से है, जो कुछ इस तरह से है. टोटल 6 शेड कुछ इस तरह से है. फर्स्ट है आइवरी फेयर और सेकंड जो है वो रोज फेयर. और फर्स्ट और सेकंड ये दोनों फेयर स्किन वालों के लिए है. अगर फेयर स्किन में आपकी स्किन थोड़ी सी येलोइश टोन में है तो आप आइवरी फेयर में जा सकते हैं. और आपकी स्किन फेयर है बट थोड़ी पिंकिश टोन पे है, थोड़ा सा पिंक वाला टोन है, तो आप रोज़ फेयर वाला सिलेक्ट कर सकते हैं. सेम वे अगर आपकी स्किन मीडियम टू फेयर है, ज़्यादा फेयर नहीं, ज़्यादा डार्क भी नहीं है, थोड़ी सी मीडियम स्किन है, तो आप थर्ड एंड फोर्थ में जा सकते हैं, गोल्डन मीडियम और गोल्डन लाइट. उसे भी सेम वे से है, पिंकिश टोन और येलोइश टोन पे है. और लास्ट वाले जो है ब्रीज, आइवरी एंड आलमंड हनी, ये फिफ्थ एंड सिक्स वाले जो शेड है वो डस्की स्किन वालों के लिए है. अगर आपकी स्किन थोड़ी डस्की है, थोड़ी सी डार्क है और इसमें भी पिंकिश और येलो स्टोन है तो उस बेस से आप फिफ्थ और सिक्स सिलेक्ट कर सकते हैं. आई होप इसके शेड के बारे में आपको पता चल गया होगा कि आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से किस तरह से इसका शेड सिलेक्ट कर सकते हैं. अब इसकी क्वांटिटी की बात करूँ तो इसका 25 ग्राम्स की क्वांटिटी होती है और इसका जो शेल ईयर होता है वो 2 ईयर्स होता है. और हाँ, इसकी जो प्राइस है वो 750 है बट आफ्टर डिस्काउंट ये मुझे 350 रुपीज़ में जबोंग से मैंने बाय किया था तो मुझे वहाँ से मिल गया था. जनरली आप किसी भी ऑनलाइन साइट से 30% या 40% ऑफ में आप इसे बाय कर सकते हैं. मैंने अपनी फिंगर की हेल्प से ये फाउंडेशन थोड़ा सा थोड़ी कम क्वांटिटी में लेकर अपनी फेस पर थोड़े से डॉट डॉट करके कुछ अंतर करके ऐसे लगा दिया है. और अभी आप मेकअप ब्रश और ब्लेंडर की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही फिंगर की मदद से आप जैसे क्रीम अप्लाई करते हो इसी तरह सर्कुलर मोशन में या फिर ऐसे डैप डैप करके अपनी फेस में पूरा ब्लेंड कर सकते हो. और ये आप देख सकते हो कि बहुत अच्छी तरह से आपके फेस में ब्लेंड हो जाता है, जैसे कि आप कोई नॉर्मल क्रीम लगा रहे हो. अगर आप चाहते हो इसके और मतलब 2 कोट लगाना तो भी आप लगा सकते हो, बट इतना इसका ज़रूरत नहीं है. आपका एक ही कोट में बहुत अच्छा सा लुक दे देगा ये. और यहाँ
यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि मेरे अपने मैंने अपने फेस के हाफ साइड पे ये मूज अप्लाई किया है और इस साइड ये मूज अप्लाई नहीं किया है, तो आप ये डिफरेंस देख सकते हैं कि ये कितना इजीली अपनी मतलब जो स्किन होती है इसमें इजीली ब्लेंड हो जाता है और ऐसे पता भी नहीं चलता कि हमने ऐसे फाउंडेशन और मूज लगाया है, जो आप क्लियरली ये डिफरेंस देख सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपने पूरे फेस पे ये मूज को अप्लाई किया है और ये काफ़ी अच्छी तरह से मेरे फेस में ब्लेंड हो गया है। सो यहाँ पे मैंने उसे आफ्टर मूज लगाने के बाद कॉम्पैक्ट भी अप्लाई नहीं किया है, बट आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरह से ये पूरा मिक्स हो चुका है एंड पूरा ग्लो कर रहा है मेरी फेस को अप्लाई करना है। सो अब उसकी डिटेल में हम बात करते हैं। तो इसका जो स्टेइंग पावर है वो अप टू 16 हावर तक है जो ये कंपनी क्लेम करती है, बट मैंने 8 हावर तक उसे अपने फेस पर स्टे करके रखा है और ये 8 हावर तक इजीली चलता है। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है या फिर ड्राई स्किन है तो ये 8 हावर तक इजीली चल जाएगा। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ये अप टू 6 हावर तक आपके स्किन पर रहेगा। और हाँ, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप पहले थोड़ा सा मॉइस्चराइजर अप्लाई करके इस मूज को अपनी स्किन पर यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, इसमें जो है वो है इसमें जो डिटेल में लिखा है कि इसमें SPF 18 है। और ओके, सो आप देख सकते हैं कि ये मूज अपने फेस पर इंस्टेंट ग्लो करता है। ये बहुत ही वेटलेस है। आपने कुछ अपनी फेस पर कुछ अप्लाई किया है ऐसा कुछ भी आपको फील नहीं होता है, बहुत ही वेटलेस है। और हाँ, ये समर में थोड़ा केकी भी नहीं होता है, समर में इससे स्विचेस भी आपके फेस पर बिल्कुल नहीं आती है। और ये बहुत ही मतलब लाइट वेट फाउंडेशन मूज है। सो डेफिनेटली आप ये समर में ट्राई कर सकते हैं, एज वेल एज आप कॉलेज में जा रहे हो, मतलब आप नए नए मेकअप बिगिनर हो, आपको मेकअप का इतना नॉलेज नहीं है, तो भी आप एज अ मेकअप बेस इस मूज को यूज़ कर सकते हो। और हाँ, जो गर्ल्स कॉलेज में जाती है सो ऐसे डेली मेकअप करके नहीं जाना चाहती, तो सिर्फ ये मूज अप्लाई करके भी कॉलेज में एक ऐसा मेकअप वाला लुक ले सकती है। सो बेसिकली इसका प्लस पॉइंट यही है कि इसे हमें ब्लेंड करने के लिए ना ही कोई मेकअप ब्रश या ब्लेंडर की ज़रूरत होगी। हम इसे ऐसे ही लेकर अपने फेस में फिंगर की हेल्प से ब्लेंड इजीली ब्लेंड कर सकते हैं। और हाँ, इसका माइनस पॉइंट भी वही है कि हम इसे डायरेक्टली अपनी स्किन पर फिंगर की हेल्प से लगाएंगे तो थोड़ा हाइजीन मेंटेन नहीं होगा, क्योंकि इसे बार बार हमें फिंगर डिप करके फेस पर लगानी पड़ती है। तो अब इसके कवरेज की बात करें तो ये मीडियम कवरेज है, ये फुल कवरेज नहीं देता है। अगर आप फुल कवरेज चाहते हो तो इसके दो कोट भी लगा सकते हैं, लेकिन इसकी इतनी नेसेसरी नहीं है, आपका एक ही कोट में बहुत अच्छा कवरेज देता है। इसको अप्लाई करने के बाद आपको कॉम्पैक्ट पाउडर लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप चाहते हो तो वो लगा भी सकते हो। ये वाटर प्रूफ है और इससे समर में सचिस भी नहीं आती है, बिल्कुल सा केकी नहीं दिखता है। सो अगर आप इसे डेली भी ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो। और ये ऑल स्किन टाइप के हिसाब से है, तो ऑल स्किन मतलब जो भी स्किन है आपकी उस हिसाब से ये मूज सिलेक्ट करके और ऐसे आप अपनी फेस पर डेली बेसिस पे भी लगा सकते हो। एंड आप इसे डेली वेयर के साथ साथ कभी पार्टी में या फिर कोई इवेंट में भी इसे ट्राई करना चाहती हो तो सिंपल सा ये मूज बेस लगाकर उस पर थोड़ा सा ब्लश और एक लाइट कलर या फिर जो भी आपको लिपस्टिक पसंद हो उसका शेड लगा दीजिए, तो भी आपको ये परफेक्ट लुक देगा। और आई होप मैंने सारे इसके पॉइंट है जो कवर कर लिए हैं। स्टिल अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ टेल मी इन अ कमेंट सेक्शन बिलो। गाइस, ये था मेरा आज का लैक्मे एब्सोल्यूट मूज फाउंडेशन का रिव्यू, जो पर्सनली मैंने अपने साथ जो फील किया है वो मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। इसके लास्ट 2 ईयर्स से मैंने यूज़ करती हूँ और इसे यूज़ करने के बाद मैं ऑलमोस्ट लिक्विड फाउंडेशन नहीं लगाती, सिर्फ यही मूज वाला जो फाउंडेशन है वो ही यूज़ करती हूँ और वो ही मैं लगाती हूँ। तो आई होप आपको पसंद आया हो मेरा वीडियो। सो हे गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अंटिल देन, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।